टॉप हेडलाइंस लेकर मैं मलिक रूफ आपकी खदमत में हाजिर। नायब सदर जगदीप धनखड़ का बयान, दफा 370 को मुल्क के लिए कैंसर जैसी बीमारी दिया करार। कहा, कभी भी नहीं सोचा था कि इसे किया जाएगा मंसूब। वजीर आजम लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट को आईन से इस कानून को हमेशा के लिए खत्म करने पर मुबारकबाद की पेश। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बाबा जितू ऑडिटोरियम सुकॉस्ट जम्मू के 8वीं कन्वोकेशन की तकरीब से किया खिताब। कहा, काबिलियत, जहानत और हुनर से खवातीन ज़राई, साइंस और टेक्नोलॉजी में है सरफरिस्त। रियासती तहकीकती एजेंसी SIA ने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में वाका अमरगढ़ सोपुर में एक इश्तहारी मुजरिम की जायदाद को कर लिया है जब्त। जब्त शुदा जायदाद 5 कनाल गैर मनकूला अराजी पर है मुश्तमिल। NC के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर का बयान। कहा, जम्मू व कश्मीर गुज़िश्ता 8 बरसों से तामीर व तरक्की के लिहाज से रह गया है पीछे। 2015 के बाद मुतवत्तिर हुकूमतों ने बिजली, पानी, सड़क, रोजगार और दही तरक्की के सेक्टरों में नहीं की कोई पेशरफ्त, जिसका आज आवाम को जमीनी सतह पर भुगतना पड़ रहा है खमियाजा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक जंगजू को गिरफ्तार करने का किया है दावा। दिल्ली पुलिस ने कहा, जावेद मट्टू जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुतअद्दिद मुकदमात में था मतलूब। मंशियात के खिलाफ बारामूला पुलिस की जंग जारी। बारामूला के पलहलन इलाके में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसके तवहील से नशावर मवाद किया है बरामद। जम्मू सूबा के गर्माई जोन के इलाकों में काम करने वाले सरकारी और निजी तस्लीम शुदा स्कूलों में मौसमी सरमा की तातीलात में 6 जनवरी 2024 तक कर दी गई है तौसी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा किया है जारी। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला के हैप शर्मल इलाके में एक ड्राइवर अपने ही ट्रैक्टर पर पाया गया मुर्दा, जिसकी शिनाख्त बशीर अहमद डार वल्दी गुलाम अहमद डार के तौर हुई। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की सूरत हाल है बरकरार। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -3.8 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया रिकॉर्ड। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत की है दर्ज। इसके साथ ही टीम इंडिया ने केप टाउन के मैदान पर टेस्ट में अपनी पहली जीत की है दर्ज। आज की हेडलाइंस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।